आपने ये काम कर लिया, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, इसी को अगर इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जाए, राइट लॉरेंज फोर्स या फिर लॉरेंज के रूल, लॉरेंज लॉज, इन दोनों का एक ही आंसर है। क्या मिला था? एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला आपको मिल चुका है। अब इस फार्मूले का एक एप्लीकेशन है मोटर। तो मोटर में सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक मटेरियल से ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी। जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो नॉर्थ से आती है, साउथ पर जाके टर्मिनेट होती है। तो स्पेशली डिज़ाइंड ये आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो मिलती है वो यूनिफॉर्म मिलती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, कितनी वैल्यू की है, मान लेते हैं बी वैल्यू की है, कैपिटल बी वैल्यू की है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉयल रख दी है। कॉयल का मतलब ये मत सोचा करो कि रेक्टेंगुलर ही होगी या सर्कुलर ही होगी, फिलहाल हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉयल रख दी है। तो अलग से इसको बना लिया जाए कॉयल को, ये रेक्टेंगुलर कॉयल है। अब इस कॉयल के दोनों टर्मिनल्स किससे कनेक्ट कर दिए जाएंगे? इलेक्ट्रिक सोर्स से। तो ये इलेक्ट्रिक सोर्स ले लिया हमने, और यहां पर ये कार्बन के ब्रशेज हैं, क्योंकि यहां जब प्रोसेसिंग चालू होगी तो फ्रिक्शन होगा, रबिंग वाला प्रोसेस होगा, कोई चीज घिसेगी। तो कार्बन के जो ब्रशेज होते हैं ना, एक तो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, और दूसरा इनकी जो लाइफ होती है वो ज़बरदस्त होती है, यानी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे ना ही इतनी जल्दी घिस पाएंगे ये। और यहाँ पर आपके पास में रिंग है, ये कंडक्टिंग मटेरियल्स की बनी हुई रिंग है, सेम ही है, हाफ है, इस तरीके से सिचुएशन है। ये दो रिंग है, ये तो इधर वाला जो सेमी रिंग है वो कार्बन ब्रश के टच में है, इधर वाला भी सेमी रिंग कार्बन ब्रश के टच में है, ये पूरा का। अच्छा, ये जो रिंग वाला जो सिस्टम है, सेमी रिंग वाला जो सिस्टम है, वो किससे कनेक्टेड है? इस कॉयल से कनेक्टेड है। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन आप समझ लीजिए, जैसे ये सेलफोन ले लेते हैं, ये कॉयल है, सेलफोन कॉयल, और इस कॉयल से ये देखो दो पोल हमने निकाल रखे हैं, दो ये जो टर्मिनल्स आप देख रहे हो ये, ठीक है, ये वाला किससे कनेक्टेड है? कार्बन ब्रश से। और कार्बन ब्रश किससे कनेक्टेड है? सेमी रिंग से। ये वाला किससे कनेक्टेड है? कार्बन ब्रश से। कार्बन ब्रश किससे कनेक्टेड है? सेमी रिंग से। अब ये पूरा का पूरा जो क्वायल है ना, ये ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो जो आपकी ये सेमी रिंग है, ये सेमी रिंग है, ये रोटेट करेगा ऐसा, तो ये कभी भी कनेक्शन जो है डिसकनेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे आप देखिएगा, अगर ये रोटेट करे
तो ये वाली सेमी रिंग जो है रोटेट कर रही है, और जब ये रोटेट करके यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये रोटेट करके उस तरफ आएगी तो लगातार क्या रहेगा, कनेक्शन बना रहेगा। लगातार कॉन्टिन्यूटी कनेक्शंस के लिए आपने जो है सेमी रिंग बनाई है। तो आप जरा देखिएगा, कोई चीज़ हमारे हाथ से ऐसे टच कर रही हो, ये जो टच करने वाली चीज़ है वो कार्बन ब्रश है, इधर से भी कार्बन ब्रश है। अब देखिए मैं सेमी है, अभी भी देखो हाथ हमारा किससे टच है, कार्बन ब्रश से, अभी भी कार्बन ब्रश से। और जब ये चीज़ इस तरफ शिफ्ट हो रही है तो ये वाली चीज़ इस तरफ शिफ्ट हो गई, तो लगातार जो है कांटेक्ट क्या रहेगा, रहेगा, बना रहेगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बोलो। और भी तरीके हैं इसको समझने के, ये बैटरी से कार्बन ब्रशेस किससे कनेक्टेड है, रिंग, रिंग जो है ये आपका जो क्वाइल का ये जो टर्मिनल है इससे कनेक्टेड है, पूरा का पूरा क्वाइल घूमता है, तो नो डाउट जो है आपका वो जो रिंग वाला ये जो पार्ट है रिंग वाला वो भी कर पूरा घूमता होगा। ये तो ये है आपका मोटर में सबसे पहले ये मैग्नेटिक मटेरियल, स्पेशली डिज़ाइन मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिससे कि हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। और ये हमने एक क्वाइल ले रखी है, रेक्टेंगुलर वाली फ्रेम में रखी हुई है इसको, मतलब क्वाइल हमने रेक्टेंगुलर फ्रेम जैसी ले रखी है, ये कोई बाउंडेशन नहीं होती कि क्वाइल आपको रेक्टेंगुलर ही लेनी है। इस क्वाइल से आने वाले जो ये दो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स को हमने सेमी रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सेमी रिंग जो है वो क्वाइल के रोटेशन में कनेक्टिविटी लॉस नहीं करती हैं। जो आप सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट करते हो, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई के साथ यानी बैटरी के साथ, तो ये पूरा का पूरा जो क्वाइल सिस्टम है वो रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा ये डिस्कस करने वाली बात होगी, लेकिन अगर ये क्वाइल रोटेट करेगा तो ये जो आपके सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं ये लगातार कनेक्टिविटी को बनाए रखेंगे। मान लिया ये प्लस है अकॉर्डिंग टू दिस वन और ये माइनस है, तो करंट फ्लो करेगी। अब ये करंट फ्लो करके यहाँ पहुँचेगी आई। सपोज कर लिया इस क्वाइल का नाम रखते हैं ए बी सी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, और करंट फ्लो कर रही है। अब बात करते हैं कि ये क्वाइल घूमेगी क्यों, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को जरा एक बार डायरेक्शन देख लो क्या है इसकी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ए बी के लिए बात करते हैं, फॉर ए बी, फॉर ए बी एफ इज इक्वल टू आई बी एल, एल मीन्स लेंथ, तो लेंथ यहां पर क्या है ए बी, चलो मान लेते हैं वो स्मॉल एल के बराबर है। ए बी और सी डी स्मॉल एल के इक्वल हैं, और ए डी और बी सी स्मॉल बी के इक्वल हैं। इसको स्मॉल बी स्टार लिख देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, बी फॉर द एल फॉर द लेंथ और बी फॉर द ब्रेड्थ, और ये वाला बी जो है वो पॉइंट वाला बी है, ठीक है ना, बी स्टार। तो आई बी एल और आगे साइन थीटा, तो साइन 90, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 बना रहे हैं, तो एफ ए बी आई बी एल साइन 91 हो गया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फादर मदर चाइल्ड, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड फॉर करंट, फादर मींस फोर्स। तो जो नोन है पहले उनकी सेटिंग कर लो, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट, तो जो फोर्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अंदर की ओर। तो इस ए बी पर जो फोर्स आया है वो अंदर की ओर आया है, एफ ए बी। अच्छा, अगर हम सी डी की बात करें तो जितना फोर्स एफ ए बी पर आया है क्या उतना ही फोर्स एफ सी डी पर भी आएगा,
देख लो कौन सा फीचर उसका अलग है। भाई AB की लेंथ L है, CD की लेंथ भी L है। AB पर I करंट है, CD पर भी I करंट है। AB मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B में है, तो CD भी मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B में है। तो आपको लगता है कि FCD की वैल्यू भी IBL ही आएगी? जरा फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या होगी। इतनी बात क्लियर है ना? तो फोर्स, फिर एक बार, फादर मदर चाइल्ड, थंब इज ए फादर, फादर मीन्स फोर्स, फोर फिंगर इज ए मदर, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेंट्रल फिंगर इज ए करंट, करंट। तो जो नोन है पहले उनकी सेटिंग बना लो। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर इज ए मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेंट्रल फिंगर इज ए करंट, ये करंट हो गया। तो देखो थंब कैसा आया, बाहर की तरफ आया। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, FCD। अगर हम BC पर और AD पर फोर्स निकालें तो FBC इज इक्वल टू होगा FAD। I मीन्स I, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, L मीन्स लेंथ, तो लेंथ क्या है, B स्टार। भाई AD की लेंथ कितनी है, AD की लेंथ है B स्टार, और BC की लेंथ भी कितनी है, B स्टार। लेकिन यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, साइन। BC के केस में जीरो होगा और DA के केस में 180 होगा, क्योंकि करंट और B के बीच में एंगल कितना बनेगा, जीरो। और इसके लिए जब आप देखोगे तो करंट इसमें इस तरह से होगी, अपोजिट टू द B, करंट इसमें इस तरह से होगी, इसके लिए आपका जीरो, 180 बनेगा। और साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है। तो FBC FAD इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इधर फिजिक्स में रूल होता है कि अगर दो बराबर फोर्स हैं वैल्यू में और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स डायरेक्शन में तो अपोजिट हैं और वैल्यू में कैसे हैं, बराबर। ये जहां कहीं पर भी होंगे टॉर्क बनाते हैं, टॉर्क मतलब उस चीज को क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो ये दोनों फोर्स जो हैं FAB एंड FCD मेक टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है घुमाना। सो क्वाइल ABCD रोटेट, तो क्वाइल ABCD जो है रोटेट होने लगेगी। किसने रोटेट करा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ने रोटेट किया है, इसलिए देयरफॉर कहा जा सकता है कि यहां जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो बदल चुकी है किसमें, कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर इस घूमती हुई क्वाइल को साथ में आपने किसी और एक्सटर्नल को अटैच कर दिया तो वो मैकेनिकल एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर ये पानी की मोटर जो है, ये मोटर पानी की मोटर के साथ लगी हुई है, तो वो जो है पानी को खींचने में हेल्प करेगी, यानी कि यही मैकेनिकल एनर्जी पानी को खींचेगी। अगर यही मोटर किसके साथ अटैच है, सीलिंग फैन के साथ अटैच है, तो ये जो है उस सीलिंग फैन को क्या करेगी, घुमाएगी। अगर यही मोटर जो है आपके किसी अदर एक्सटर्नल के साथ अटैच है, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एक्सटर्नली किसके साथ अटैच है, उस मैकेनिकल एनर्जी को तुम फाइनली किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या करेगी, कन्वर्ट होगी और आपको आउटपुट मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्लक्स की। जनरल वे में बात करते हैं फ्लक्स क्या होता है। तो फिजिक्स में फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी का एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाना या आना। जैसे कोई भी एरिया है, ये एरिया है, और इस एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए
अमाउंट ऑफ वाटर जो है जा रहा है, तो ये जाने वाला जो वाटर अमाउंट है दैट इज फ्लक्स। आप डिसाइड कर लो कि टाइम क्या है, तो आपने कहा पर सेकेंड, तो पर सेकेंड इस एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जितना भी क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो निकल गया है, सपोज कर लो समवन सेज कि इन 1 सेकेंड 200 लीटर वाटर क्वांटिटी पास आउट, तो ये 200 लीटर वाटर क्वांटिटी क्या बन जाएगी, फ्लक्स बन जाएगी। फ्लक्स का मतलब होता है क्वांटिटी का एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाना या आना। एक एरिया ये है, मान लेते हैं ये हमारे स्टडी रूम की विंडो है, हमने इसको ओपन कर दिया, तो अब इस विंडो के उस तरफ हम है और इस तरफ जो है आपका आउटसाइड है, तो मुझे अच्छे से पता है, सोचने वाली बात है, जैसे विंडो ओपन हो गई तो अंदर वाली जो डस्ट और एयर पार्टिकल्स हैं वो बाहर जा रहेंगे और जो बाहर वाले हैं वो अंदर आएंगे। सपोज कर लेते हैं कि 1 सेकेंड के टाइम में N1 डस्ट पार्टिकल एयर पार्टिकल अंदर से बाहर गए और उसी 1 सेकेंड के टाइम में N2 डस्ट पार्टिकल एयर पार्टिकल अंदर आए, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स में क्या हो गया, दोनों का टोटल। जब हम एरिया के करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि फ्लक्स जाने वाला भी है और आने वाला भी है, तो जो जाने वाला फ्लक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस, और जो आने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, माइनस। तो चलिए विंडो हमने ओपन की, तो अब हम ही ऑब्जर्वर है ना, तो जो इधर से आएगा उसको हम बोलेंगे ये आपका कैसा है, इनकमिंग है, और जो इधर जाएगा वो कैसा है, आउटगोइंग है। तो आउटगोइंग वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं, प्लस, और इनकमिंग वाले को क्या कहते हैं, माइनस। तो हम यहाँ पे इनमें से एक पे लगा देंगे प्लस, दूसरे पे क्या लगाएंगे, माइनस, और टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। तो फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी का 90 डिग्री एंगल के साथ आना और जाना। जो आता है वो नेगेटिव फ्लक्स कहलाता है और जो जाता है दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फ्लक्स। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होने वाला है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्वांटिटी जो आएगी दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच लीव हो सकती हैं या फिर एंटरिंग हो सकती हैं या फिर दोनों ही हो सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच लीविंग और एंटरिंग और बोथ विद गिवेन और इमेजिनरी एरिया। इस पर जरा ध्यान देना जो मैंने लिखा है, गिवेन और इमेजिनरी एरिया। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच लीविंग और एंटरिंग और बोथ नॉर्मली टू 90 डिग्री वाली बात भी लिख दिया जाए, नॉर्मली टू गिवेन और इमेजिनरी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, कोई करेक्शन नहीं है, आप देख लीजिए, समझिए। इमेजिनरी एरिया मैंने क्यों लिखा है, फ्लक्स की डेफिनेशन में एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वांटिटी तो है लेकिन एरिया नहीं है। जैसे ये देखिए, हमारे पास में एक बार मैग्नेट है, मुझे अच्छे से पता है कि इससे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो मेरे पास क्वांटिटी है लेकिन मेरे पास एरिया नहीं है और मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है। तो फिर आप एरिया को इमेजिन कर लीजिए, ये लीजिए हमने एरिया को इमेजिन कर लिया। जैसे हमने इस एरिया को इमेजिन किया तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी अब वो एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अटैच हो गई हैं, तो अब हम इन लाइंस को क्या कह सकते हैं, फ्लक्स कह सकते हैं। डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच लीविंग और एंटरिंग और बोथ नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, नॉर्मली टू गिवेन और इमेजिनरी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कभी कभी ऐसा होगा कि एरिया भी दिया जाएगा, क्वांटिटी भी दी जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि हमारे पास में क्वांटिटी होगी लेकिन एरिया नहीं होगा,
और हमें फ्लक्स बनाना होगा, तो हम एरिया को क्या कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे। ठीक, तो ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन। इसका जो सिंबल है वो फाई है, तो यानी कि फाई बराबर क्या हो गया, फाई बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी उस एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अटैच है, ये हो गया फाई की वैल्यू। फाई बराबर हो गया एन, एन मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसी फार्मूले को जब हम फर्दर और आगे डिस्कस करके ले जाते हैं तो निकलता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। थीटा यहां पर क्या है, थीटा जो है वो आपके पास में जो एरिया होगा, ये एरिया है, इस एरिया पे नॉर्मल बना लो, ध्यान देना ये एरिया है, एरिया पे नॉर्मल बना लिया, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल है ये थीटा है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी एंड नॉर्मल, नॉर्मल टू एरिया। जैसे इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया का नॉर्मल ये है, तो ये एंगल हो गया थीटा। लेकिन 99.9% केसेस में थीटा की वैल्यू जीरो होगी। देखो कैसे, जैसे यही वाली सिचुएशन पर वापस आ जाइए, ये अपने पास एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, डायरेक्शन भी है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के पास, ये डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उनकी डायरेक्शंस को देखो और जो नॉर्मल बनाओगे उसके बारे में सोचो, ये नॉर्मल हो गया, तो क्या नॉर्मल ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में जीरो एंगल बना रखा है? तो जब कभी आपको थीटा के बारे में कुछ दिया ना जाए तो आप फिर वही सिचुएशन सोच के चलोगे कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस है वो आपस में कितना बना रही है, जीरो बना रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू जीरो सोच ली जाए, स्पेशल केस होगा बट 99.99% सिचुएशन में वो आपके लिए ही होगा। तो फाई बराबर बी ए हो गया फॉर थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। तो ये आपके फ्लक्स का ओवरऑल डेफिनेशन प्लस फार्मूला। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान दो कि अपने पास में कैपिटल बी है 0.4 टेस्ला और गिवन एरिया है 10 मीटर स्क्वायर एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। तो ये अपने पास में है एरिया और ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो एरिया है इस एरिया पर जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो हमेशा एरिया से 90 बनाता है, ये नॉर्मल है। और क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से 60 डिग्री बनाता है और फ्लक्स चाहिए। तो B बराबर है 0.4 टेस्ला, एरिया की वैल्यू है 10 मीटर स्क्वायर एज शोन इन द फिगर और फाइंड द फ्लक्स। अब अगर आपको यही वाला फार्मूला याद है, फाई बराबर बी ए, तो फंस जाओगे क्योंकि ओरिजिनल फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। हाँ, जब थीटा के बारे में आपको कुछ ना दिया जाए तो हमेशा जीरो मान के चलिए, बट यहाँ तो थीटा का बंदोबस्त दे दिया। थीटा होता है नॉर्मल और कैपिटल बी की डायरेक्शंस के बीच बनने वाला एंगल, तो नॉर्मल ये है एरिया का और बी ये है, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, कितना है 30 डिग्री है। हमको 60 डिग्री नहीं दिया गया, 30 डिग्री दिया है। तो B फॉर है 0.4, A फॉर है 10 और cos 30, तो ये हो गया 4, cos 30 की वैल्यू है √3/2 यानी 2√3, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई।
फ्लक्स मैग्नेटिक का जो एसआई यूनिट है वो वेबर होता है साइंटिस्ट के नाम पर, और वेबर का मतलब क्या होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो क्या है टेस्ला, और ए फॉर एरिया, तो वेबर का मतलब हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड का एक और भी तो यूनिट होता है न्यूटन अपॉन, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, तो कैपिटल बी का एक यूनिट होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, और एरिया भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो एक बन जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये है फ्लक्स का पूरा डिटेल इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम्स डेफिनेशन फार्मूला। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि इफ यू हैव ए क्वांटिटी बट नॉट द एरिया तो हाउ यू फ्रेम द फ्लक्स, परमिशन है फिजिक्स की कि आप एरिया को क्या करो इमेजिन। जब खुद को ये सिचुएशन मिल जाए कि हमें एरिया इमेजिन करना है तो फिर कोई भी क्वांटिटी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर सपोज कर लो कि इस जगह पर 20 बिलियन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ से आने वाली 20 बिलियन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और हमें फ्लक्स बनाना है और एरिया दिया नहीं गया, तो फिर हमारी इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो क्वांटिटी है उसकी एक एक बूंद, जो क्वांटिटी अपने पास है उसका एक एक वैल्यू जो है फ्लक्स में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आपको एरिया इमेजिन करना हो तो आप किसी भी क्वांटिटी को मिस नहीं करोगे। बात करते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओरिजिनल फार्मूला फाइ बराबर है बी ए कॉस थीटा एंड अलर्ट फॉर थीटा, थीटा इज व्हाट एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी एंड द नॉर्मल। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास में एरिया है और ये रहा नॉर्मल और ये रहा बी, डायरेक्शन ऑफ बी ये थीटा हो गया, हमने कहा रोटेट करेंगे। तो अगर हम इस एरिया को रोटेट करेंगे, अगर हम इस एरिया को रोटेट करेंगे, ये सेलफोन हमारा एरिया है, ये नॉर्मल है, बी तुमको दिखाई दे रहा है, तो अगर हम एरिया को रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी रोटेट होगा, बोलो तो थीटा टाइम के साथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो अगर थीटा बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, तो फ्लक्स के बदलने का एक तरीका तो ये हो गया कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पॉसिबल बाई रोटेटिंग, बाई रोटेटिंग गिवेन एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड, इन गिवेन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड, अब ये बात हमने लिखी तो कहीं कुछ गलत ना अपना सोच लो, उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए एक बार फिर से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्मल है, तो ये देखिए रोटेट हो रहा है, अब थीटा बदल रहा है, बोलो तो रोटेशन का ये तरीका नहीं चलेगा, रोटेशन का तरीका तो वही चलेगा जिसमें थीटा बदले। तो देखो मैं आगे क्या लिख रहा हूं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पॉसिबल बाई रोटेटिंग गिवेन एरिया इन गिवेन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट थीटा मस्ट चेंज। कहीं चीटिंग ना कर देना कि आप रोटेशन भी करो थीटा को ना बदलो, वो नहीं चलेगा, थीटा मस्ट चेंज। एक तरीका तो आपका फ्लक्स बदलने का ये हो गया। अगर हम ये काम करें और थीटा को चेंज करते करते हुए ये सारा का सारा एपिसोड अगर कंटिन्यू करें तो 100% फ्लक्स में चेंजेस आएंगे। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका ये है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पॉसिबल व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन गिवेन एरिया
एंड गिवन मैग्नेटिक सोर्स, गिवन मैग्नेटिक सोर्स, जैसे आपके पास में मैग्नेटिक सोर्स है करंट कैरिंग वायर, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, आई करंट रखता है, और आपने कहा कि आर डिस्टेंस पर फ्लक्स निकाल लो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, फार्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/r। तो हमने कहा यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, और इसी के एडजेसेंट में हमने एक एरिया तैयार कर लिया, ये एरिया बना लिया भाई, कि मैग्नेटिक फील्ड फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो एरिया से लिंक होकर फ्लक्स बन जाएगा। तो ये हमारा एरिया हो गया, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाला सोर्स हो गया। रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, मतलब इनके बीच की दूरी जो है कम ज़्यादा हो, अगर बीच की दूरी, रिलेटिव मोशंस का मतलब होता है दो लोगों के बीच की दूरी कम या ज़्यादा होना, रिलेटिव मोशन का ये मतलब होता है कि दो लोगों के बीच की दूरी बदल रही है। अब वो चाहे जैसे बदल रही हो, ये अपनी जगह पर रहे ये मूव करने लगे, ये मूव करे ये अपनी जगह पर रहे, या दोनों लोग अपनी जगह से मूव करने लगे, आर बदलेगा, आर बदलेगा तो बी बदलेगा, और बी बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। एक तरीका ये हो गया, और तीसरा तरीका क्या है भाई, कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पॉसिबल, पॉसिबल बाय चेंजिंग एरिया वैल्यू, बाय चेंजिंग एरिया वैल्यू, लगाओ दिमाग। इसके सपोर्ट में मैंने एग्जांपल दिया, फिगर बनाया, इसके सपोर्ट में एग्जांपल दिया, डायग्राम बनाया। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एरिया बदले तो फ्लक्स बदल जाएगा, हाँ दिख तो रहा है कि एरिया बदलेगा तो फ्लक्स बदल जाएगा, प्रैक्टिकल को एग्जांपल है, देखिए मैं तैयार करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमारे पास में रेडीमेड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्रॉस बना करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है लेकिन अंदर की ओर है। अब हमने क्या किया कि एक रॉड ले ली भाई, ये एक रॉड ले ली, और टी बराबर जीरो पर ये है, यहां पर है ये टी बराबर जीरो पर, कुछ समय बाद ये रॉड रोटेट करके यहां पहुंच गई, इसके अबाउट क्लैंप पॉइंट फिक्स है ये वाला। तो अब ये रॉड यहां से यहां पहुंच गई, तो इतने एरिया की स्वेप्टिंग हो गई, और फिर वो यहां से यहां पहुंच गई, तो देखो धीरे धीरे ये जो स्वेप्टिंग एरिया है ये लगातार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस वाले सिचुएशन में अगर फ्लक्स में चेंजेस आएगा तो किससे आएगा, एरिया के बदलने से फ्लक्स बदलेगा। ठीक, तो फ्लक्स को हम कई सारे तरीकों से बदल सकते हैं, और टोटल 3 तरीके हमने आपको बताए कि आप रोटेशंस करा करके भी फ्लक्स बदल सकते हो, आप रिलेटिव मोशंस करके भी फ्लक्स बदल सकते हो, और आप जो है एरिया को बदल करके भी फ्लक्स बदल सकते हो। अब इस वाले केस में अगर हम एरिया के साथ एक बल्ब अटैच कर दें तो ये बल्ब जलने लगेगा, कहीं कोई बैटरी नहीं फिर भी बल्ब जल रहा है। इस वाले केस में अगर हम रॉड के अक्रॉस में, रॉड के अक्रॉस में एक बल्ब जोड़ दें तो ये बल्ब जलने लगेगा, और सिमिलरली यहां पर भी बल्ब का जलना इस बात को प्रूफ करता है कि फ्लक्स के बदलने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से ये पता चलता है कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो तब बनती है जब क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के तो करंट बन ही नहीं सकता। तो क्या बात निकल के सामने आई कि व्हेन एवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस देन देयर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक वोल्टेज, फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड EMF एंड द करंट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है भाई, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, चाहे जैसे चेंज करो आप, आपकी मर्जी, 3 तरीके मैंने बताए चेंज करने के। तो वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज
देन इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम ईएमएफ कहेंगे यहां पर, फॉर्म विद गिवन एरिया, गिवन एरिया, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ईएमआई, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन ईएमआई, जो ईएमआई की ये फिनोमेना होती है, तो फॉर्म होने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फॉर्मिंग ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और हम इसको स्मॉल ई से लिखते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप स्मॉल ई से लिखें, आप जो सिंबल चाहो उससे लिख सकते हो। तो इन ईएमआई फॉर्मिंग ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, फिनोमेना डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, फिनोमेना डिस्कवर्ड बाय फैराडे। क्या होता है आपको ये बता दिया। अब ईएमआई को लेकर के फैराडे ने लॉ क्या दिए, लॉज ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चाहे एग्जाम में ये पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज क्या हैं, चाहे ये पूछा जाए कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉज क्या हैं, तो पहला लॉ क्या है यार, जो फर्स्ट लॉ है वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ईएमआई, खुद लिखना है, खुद करना है ये, कि अगर किसी भी तरीके से, चाहे जैसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा, आपको करंट मिलेगी, तो फर्स्ट ला डेफिनेशन ऑफ ईएमआई लिख देना। अब वो जो डेफिनेशन मैंने तीन पॉइंट्स में लिखी हुई है उसको समराइज कर लेना, कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्म दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ईएमआई। सेकेंड लॉ क्या है इसका, सेकेंड लॉ ईएमआई का क्या है, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि स्मॉल ई प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। जब हम किसी पर्टिकुलर के डिस्कशंस में रेट की बात करते हैं तो टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे फ्लक्स का चेंज करना है तो डेल्टा फाई, रेट बनाना है तो डेल्टा टी, ले आइए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी की वैल्यू 1 ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा करंट, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो ये आपका सेकेंड लॉ। अब फाई बराबर कैसे निकालते हैं, तो फाई बराबर 99% केसेस में आप निकालोगे बीए से। अगर एक टर्न की क्वायल है तो बीए, और अगर एन टर्न की क्वायल है तो एन बीए। एक फेरे की क्वायल है तो एक टर्न अगर है तो एरिया कितना हो गया, एक के बराबर। अगर दो टर्न है तो एरिया डबल ट्रिपल ऐसे, तो अगर एन टर्न क्वायल है तो एन बीए। अदरवाइज वो थीटा वाला फंडा भी याद रखना, एन बीए कॉस थीटा वाला फंडा भी। ये था आपका इनका सेकेंड लॉ फैराडे का। अगर ये वोल्टेज मिल चुका है और इस वोल्टेज ने करंट भी आपको देनी शुरू कर दी है, तो आप करंट निकाल सकते हो। कैसे करंट निकलेगा, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट आई इज इक्वल टू छोटा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये एक ऑर्डिनरी फार्मूला है। तो यहां पर E means EMF, that is small E. Capital R means external, जो खर्चा करने वाले लोग हैं। Small R is internal, कुछ है ही नहीं। ये भी देख देखो बेनिफिट हुआ,
कि यहां पर कोई बैटरी तो है नहीं जो इंड्यूस करंट, उसके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो यहां होगा नहीं। तो ये आ गया आई इज इक्वल टू वन बाई आर, ई की वैल्यू है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये निकाल सकते हैं। तो इंड्यूस करंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फैराडे लॉज लिखते समय यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है जो कि हमने लगाया नहीं है। अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें तो फैराडे का जो सेकेंड लॉ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पे जो नेगेटिव है और जो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है, तो ये तो बताते हैं फैराडे, ये काम फैराडे ने दिया। ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव जो है किसी लॉ की वजह से आया, उसका नाम है लेंज लॉ। लेंज ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि वहां पे लोगों ने बाद में नेगेटिव लगाना स्टार्ट कर दिया? लेंज ने बताया कि इंड्यूस्ड वाला ईएमएफ, इंड्यूस्ड वाला करंट जिसके कारण बना है, जिसकी वजह से बना है, हमेशा जो है उसी का अपोज होता है। जैसे आपने कहा कि हम फ्लक्स बढ़ाएंगे, तो फ्लक्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी ना, तो कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो इसका अपोज करेगी। तो लेंज लॉ जो है उसी निगेटिव को सपोर्ट करता है कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी अगर बढ़ रहा है तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर वहां जरूर बन जाएगा जो इसका अपोज करेगा, और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी अगर कम हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर वहां पे आ जाएगी जो उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। दोनों ही चीजें हैं, बढ़ने का भी अपोज करेगी और घटने का भी अपोज करेगी, और यही स्टेटमेंट है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ को लिखा कैसे जाए, लेंज लॉ किस तरीके से डिफाइन किया जाए? देयर इज ऑलवेज ए कॉज विच अपोजेज द फैक्टर ऑफ ईएमआई ड्यू टू विच इट फॉर्म। हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा कॉज वहां जरूर आ जाएगा जो कि आप देखोगे ये उसी चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से ये वोल्टेज इंड्यूस बनी है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस बनी है। जैसे सपोज कर लो कि आपने कहा कि रोटेशन कराना है, तो आपने उस क्वायल को एक सेकेंड में 200 साइकिल के लिए रोटेट करा दिया, थोड़ी देर में आओ उसकी साइकिल कम हो जाएंगी। आपने तो कम नहीं किया, किसने कम किया है? तो पता चलता है जिसने कम किया है वो उसी में ही इन्वॉल्व है, और हम इसको क्या अवॉइड कर सकते हैं? आंसर है नहीं। तो ये जो है लेंज लॉ कहता है, लेंज लॉ कहता है कि जब जब ईएमआई की फिनोमेना होगी, जब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, तो हमेशा एक फैक्टर ऐसा होगा, एक कॉज ऐसा होगा जो इसका अपोज करेगा। तो जिसने इंड्यूस ईएमएफ को बनाया है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड है, इसी का कोई ना कोई अपोज करने वाला होता है, और इसी अपोज करने वाले की यहां पर प्रेजेंस को किससे लिखा गया, नेगेटिव साइन से। लेंज लॉ लिखने को हो तो हम लेंज लॉ लिखेंगे कैसे? लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ये जो बन गए हैं आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से बने हैं? आंसर है फ्लक्स चेंज की वजह से बने हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द फैक्ट, ऑलवेज अपोजेस द फैक्ट ड्यू टू विच दीज फॉर्म। ये है आपका लेंज लॉ। जैसे मान लो आपने एक सर्किट सजा लिया, ये सर्किट आपका सजा हुआ है, ये एक बल्ब लगा हुआ है फॉर द रेस्पॉन्स पर्पस, और ये आपके पास में बार मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ। तो ये बार मैग्नेट से फील्ड की लाइनें से लिंक हो रही हैं, ठीक। अब आपने कहा चलो फ्लक्स बढ़ाते हैं, आपके माइंड में फंडा है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो आपने इनके आर को कम करने का मन बना लिया, आर माने डिस्टेंस,
तो आपने कहा आर को कम करेंगे, आर को कम करेंगे तो बी बढ़ेगा, और बी बढ़ेगा तो फाई भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तुमने ये काम किया, तुमने अपना जो है एफर्ट्स लगाया और इसको डिस्टेंस कम करने लगे, थोड़ी देर में आपको जो है ऐसा एहसास होगा कोई आपको ढकेल रहा है, यानी मैं मैग्नेट को ले जा रहा हूं क्वाइल की तरफ कि चलो भाई आर कम करके बी बड़ा कर लो, और बी बड़ा कर लो तो फाई आपका बड़ा हो जाएगा। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि जिस मैग्नेट को हम ढकेल रहे हैं उसको भी कोई क्या कर रहा है, अपोजिशन में पुश कर रहा है। तो अपोजिशन में जो पुश कर रहा है वो कौन है? इंड्यूस करंट है। कौन है? इंड्यूस वोल्टेज है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि यार तुम इसी की वजह से बन रहे थे और तुम इसी का पोस्ट कर रहे हो, यही लेंजला है। और फिर जब मैं इसका उल्टा करूंगा, मैं इसको ढकेलूंगा इस तरफ कि चलो आर बड़ा करते हैं, आर को अगर हम बड़ा करेंगे तो बी कम हो जाएगा, और बी कम हो जाएगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो फिर देखेंगे कि कोई उसको उस तरफ खींच रहा है। जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो एक जो है इफेक्ट इसको इस तरफ खींचेगा। तो फिर फाइनली जो है लेंज इस नतीजे पर पहुंचते हैं, ये दोनों ही चीजें हैं, यानी ये बढ़ने का भी अपोज करेगा और ये घटने का भी अपोज करेगा। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक आइडिया जान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर तो इसका जो प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पे ये काम करता है, मतलब फ्लक्स चेंज होगा इसका, वोल्टेज हो जाएगा उसमें। इसमें आपके पास में एक लैमिनर वे में, लैमिनर मतलब एरिया वाली स्ट्रिप्स होती हैं, मैं कोशिश करता हूं स्ट्रिप दिखाने की। ये एक स्ट्रिप है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये रही स्ट्रिप, ये स्ट्रिप है, ये मटेरियल है, ये बीच में खाली जगह। अब स्ट्रिप के ऊपर एक स्ट्रिप रख दो, स्ट्रिप के ऊपर फिर एक स्ट्रिप रख दो, एक बंडल तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही स्ट्रिप्स होती हैं ये, स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं उसके पीछे का भी क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है। एक प्रॉब्लम होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एडी करेंट्स। तो केवल आप अभी उसको सुने, नाम से सुने, उसको अवॉइड रखने के लिए, उसको दूर रखने के लिए हम लोग स्ट्रिप्स यूज करते हैं। एडी करेंट्स जो होती हैं ये वॉल्यूम में बनती हैं, जो एडी करेंट्स होती हैं वो किस में बनती हैं? वॉल्यूम में। जब हम स्ट्रिप्स ले लेंगे तो वॉल्यूम को मिनिमाइज कर देंगे ना भाई, ये एक सिंगल स्ट्रिप है तो अब इसके पास वॉल्यूम तो एक तरीके से देखा जाए तो टेंस टू जीरो है, तो जो एडी करेंट्स की पॉसिबिलिटी है वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई, तो मिनिमाइज हो जाती है। तो ये स्ट्रिप्स जो हैं लेकर के एक साथ इनको लेमिनेट किया और एक जो है फ्रेम बना लिया हम लोगों ने। अब जो ये फ्रेम तैयार हो गया तो इसके ऊपर हम लोग क्वाइल्स यानी कि वायर को वाउंड करेंगे। तो वायर्स को वाउंड कर लेते हैं अपोजिट साइड्स में, चाहे ये या ये और ये। तो हमने यहां पर वायर्स लपेट दिए, और यहां लगा दिया एसी जनरेटर। नहीं, सॉलिनॉइड नहीं है ये, तो मैंने केवल लपेटा है, ये जोड़ दिया एसी जनरेटर। ये देखो कैसा होता है, इसकी अपनी वोल्टेज ऐसी होती है तो करंट भी अल्टरनेटिंग होती है। और यहां पर इसके सामने वाले में वायर लपेट दिए,
ये हमको आउटपुट मिलेगा यहां पर। अब देखिए फ्लक्स चेंज होगा इसमें, क्योंकि ये बहुत क्लोज होता है तो उसमें भी फ्लक्स का चेंजेस हो जाता है। इसमें क्यों फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि आई ही चेंज हो रहा है। देखो ना फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर है बी ए कॉस थीटा और बी में आ गया आई, आई फॉर करेंट। तो अगर आई चेंज होगा तो फाई भी चेंज होगा। भाई बी कैसे आता है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बाई आर। करंट कैरिंग वायर जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं ना, तो अब ये जब ये करंट कैरिंग क्वाइल होगी जिसमें करंट होगी, करंट चेंज होगी तो फील्ड भी चेंज होगी। और फील्ड अगर चेंज होगी, अगर आप उसकी बात करते हो सॉलिनॉइड की, तो बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई सॉलिनॉइड के केस में, स्टेट वायर के केस में ये होता है। तो केवल आप ये देखिए कि जितने भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, तो अगर करंट बदलेगी तो बी बदलेगा, बी बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, तो फ्लक्स चेंज होता है। और क्योंकि ये सेकेंड नंबर की जो क्वाइल है, इस सेकेंड नंबर की क्वाइल को हम सेकेंडरी कहते हैं और ये आपकी प्राइमरी है, तो सेकेंडरी वाली क्वाइल इसके बहुत क्लोज होती है तो उसमें भी फ्लक्स के चेंजेस होने लगते हैं और वहां पर जो वोल्टेज बनती है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो देखो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये और बेनिफिट इसको मिल रहा है ना, तो ये है म्यूचुअल इंडक्शन। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें आउटपुट और इनपुट आपस में क्या होता है, बराबर। अगर कोई पूछे आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर मींस, इसका नाम भी देखो क्या, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्म करना, तो यहां का फ्लक्स जो है वहां पर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो आइडियल ट्रांसफार्मर मींस इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये है आइडियल ट्रांसफार्मर की बेसिक्स। पावर बराबर क्या होता है, V इंटू वाई। तो इनपुट क्या, इनपुट का मतलब है इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, प्राइमरी में, तो वी पी आई पी। आउटपुट क्या है, वी एस आई एस, और यहाँ से आ जाएगा वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस। ये आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन है। प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो एनपी हैं, प्राइमरी क्वाइल जो है, और उधर जो सेकेंडरी क्वाइल है, सेकेंडरी क्वाइल, तो प्राइमरी वाली क्वाइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एनपी है, सेकेंडरी क्वाइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एनएस है, प्राइमरी वाली क्वाइल में जो करंट है वो आईपी है, सेकेंडरी वाली क्वाइल में जो करंट है इंड्यूस वाली वो आईएस है, प्राइमरी वाली क्वाइल में जो वोल्टेज है वो ईपी है या फिर वीपी है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो ईएस है या फिर वीएस है, ठीक। अब अगर हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, तो नाम से ही क्लियर है, स्टेप अप मतलब आउटपुट वाली वोल्टेज ज्यादा होगी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर मींस जो आउटपुट वाला वोल्टेज है, व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट, आउटपुट मींस वीएस सेकेंडरी वाला, तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर मींस वीएस ग्रेटर देन वीपी। चलो देखो यहां से वीएस ग्रेटर देन वीपी, वीएस ग्रेटर देन वीपी, और वीएस बाय वीपी और आईपी बाय आईएस, इस रेशियो को एक नाम और भी देते हैं क्या, स्मॉल आर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वीएस वीपी से बड़ा होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, वन से ज्यादा होगी,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर मीन्स वी एस ग्रेटर देन वी पी मीन्स स्मॉल आर ग्रेटर देन वन। अब वी एस जो है वीपी से बड़ा हो, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा सेकेंडरी में, और सेकेंडरी में फ्लक्स कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए भाई। ई बराबर क्या होता है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, और फाइव बराबर क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा। तो अगर हम एन बढ़ा दें तो अपने आप फाइव बढ़ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा एन एस ग्रेटर देन एन पी, ये भी आ जाएगा। और स्टेप डाउन की अगर बात करोगे तो रिवर्स, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मीन्स वी एस लेस देन वी पी, मतलब स्मॉल आर लेस देन वन और एन एस लेस देन एन पी।